एवरी वन माई नेम इज रंजिता सिंह वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज हम वीक रीडिंग करने जा रहे हैं हम देखेंगे आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा Uh, कौन से क्रिस्टल्स हैं जो आपको मदद करेंगे इस वीक कलर्स क्या होंगे काफ़ी चीज़ें हम देखेंगे डिटेलिंग में और कहाँ आपका फोकस होना चाहिए ठीक है और अ वेरी पॉजिटिव नोट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें ताकि जो ये रीडिंग्स हैं आपको और रेजोनेट करें आप ये एनर्जी एक्सचेंज होती है उससे और जो रीडिंग्स हैं आपको और रेजोनेट करती हैं एंड डू शेयर दीज वीडियोज विद योर लव्ड वंस ताकि उनकी भी हेल्प हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव हेलो इक्वेरियस लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले वीक में आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या आ रहा है लेट्स सी इक्वेरियस व्हाट इज कमिंग फॉर यू थैंक यू सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सो इक्वेरियस कहीं ना कहीं आप uh, पर्सनल लाइफ तो मुझे ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं मतलब कोई बड़ा ट्रैवल नहीं छोटा मोटा ट्रैवल भी हो सकता है कोई अपने ही घर वापस जा रहा हो या फिर कोई कहीं जा रहा हो अफ्ट देख रही हूँ मैं बेसिकली अगर वैसे भी नहीं तो एक माइंड सेट शिफ्ट हो रहा है आपका आ, 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 मेंटली शायद बहुत टाइम से आप कुछ चीजों को लेकर बहुत परेशान थे तो वो वो जो जो थाट प्रोसेस है वो सुधरता हुआ नजर आ रहा है मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में ठीक है ए प्रोफेशनल लाइफ संभाव किंग ऑफ लियो एरि इंपॉर्टेंट हो सकता है आप हो सकते हैं ठीक है और आपके लिए कहा जा रहा है किसी चीज को आगे बढ़ने में तो इनकी हेल्प ले सकते हैं आप और थोड़ा सा ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ, पता नहीं कहीं कही ना कहीं ना चलो आप अपना वो खो रहे हैं एक वो फायर एनर्जी मिस कर रहे हैं बोर हो रहा है कोई जैसे और लेकिन इस वीक आपकी उन चीजों में ना वॉन्ड की एनर्जी आ रही है क्रिएटिविटी पैशन आ रहा है चीजें ना दोबारा से जैसे कोई इंसान का बहुत टाइम से इंटरेस्ट मग हो गया था तो अब वापस इंटरेस्ट आ रहा है ठीक है अलॉड ऑफ यहाँ पे ना मुझे बहुत ही लाइन वाली एनर्जी लग रही है जैसे कि अब वापस बंदा बैक टू पवेलियन आ जाता है ना वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे आपके लिए लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकली आपको क्या क्या जा रहा है 8th हाउस मिस्ट्री तो 8th हाउस जो होता है हमारा एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो वो मिस्टिक कार्ड होता है तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ना ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं कुछ चीजों को बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं ऐसा क्यों कैसे uh, कुछ मिस्टीरियस भी लग रहा है आपको यू नो हो सकता है आप में से कुछ लोग uh, जैसे ऑकल्ट में हो इस पर इंटरेस्ट बन रहा हो आपका या फिर यू you नो know, आप सोच रहे हैं कि चीज़ें क्यों होती हैं अब कुछ इस तरीके के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके अजीब गरीब की ये है तो क्यों है और ये करना क्यों होता है ऐसा क्यों होता है हम कहाँ हैं हमें क्या चाहिए इस तरीके के जो सवाल होते हैं एक थोड़ा ना मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगा रहता है जैसे कि कुछ भी उसे खोज करनी है तो कोई कुछ खोज रहे हैं जैसे आप लेट्स सी टीचिंग एंड लर्निंग तो डेफिनेटली से कुछ लोग इस फाइव नंबर सेवन नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है इस कुछ सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली सीख सकते हैं कुछ लोग हो सकता है कि सेमिनार या कोई वेबिनार अटेंड करें ठीक है और आपके लिए कहा जा रहा है जो सीखे ना उसे सिखाए भी मतलब ठीक है लूजन अप योर ग्रिप एम तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा का, क्रिस्टल इस वीक आपके लिए कहा जा रहा है थोड़ा सा ना फ्री होइए लूजन अप करिए इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है थोड़ा सा अपने आप को ढीला छोड़िए ठीक है ठीके? और इतना मिस्टीरियस होने की जरूरत नहीं है लोगों लोग भी आपको कह रहे होंगे कि आप इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं इन दिनों तो थोड़ा सा Uh, पता नहीं समाओ मैं आपको ना थोड़ा सा अंदर से ना दुखी भी देख रही हूँ तो थोड़ा सा उस जोन से बाहर आइए और डेफिनेटली आपको उस जोन से बाहर निकलने की जरूरत है एंड डेफिनेटली ये फेस होता है थोड़े वक्त का होता है आप इसे निकाल लेंगे तो ब्यूटिफुली आगे बढ़ पाएंगे सो दैट्स इट आई होप यू लाइक दिस रीडिंग इफ यू डू हिट द लाइक बट इन एल्स इन then bye bye टेक केयर